जो लेक्चर है वो है आइंस्टाइन कोफिशिएंट, मेटास्टेबल स्टेट, पॉपुलेशन इन्वर्जन, पंपिंग। आज हमें क्या करना है, आइंस्टाइन कोफिशिएंट, यानी कि आइंस्टाइन कोफिशिएंट तो हमने कल ही पढ़ लिए थे, बट उनको जो कोफिशिएंट पढ़े हैं उनका रिलेशन फाइंड करना है आज हमें। तो रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट पढ़ेंगे, मेटास्टेबल स्टेट, पॉपुलेशन इन्वर्जन, इतना ही कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है, वॉट आर आइंस्टाइन कोफिशिएंट, व्हाट आर आइंस्टाइन कोफिशिएंट ए एंड बी, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक अभी तो सिंपलिसिटी के लिए ही लेते हैं, मैंने बताया भी था, ऐसा ले लिया केस जहां पे टू एनर्जी लेवल हैं, वन और टू, यहां पर नंबर ऑफ एटम्स वन है, यहां पर नंबर ऑफ एटम्स टू हैं। तो बाहर से जब रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में मूव करेंगे, और हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट के थ्रू एटम्स आएंगे जो एमिशन के थ्रू होगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, भाई पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन या एटम लेके चल रहे थे लोअर एनर्जी स्टेट में, जब समझाने के लिए कर रहे थे। अब हमने क्या कहा, एन वन एटम्स हैं, हमने फोटॉन्स की बीम डाली या जो भी पंपिंग की पंपिंग यूज की, तो लोअर से हायर में जाना और हायर से लोअर में जाना की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। लेट एन वन एंड एन टू बी द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन ग्राउंड एनर्जी स्टेट ई वन एंड एक्साइटेड स्टेट ई टू। The probability of absorption transition is given by R12, 1 से 2 में जाने की probability किसके बराबर होगी, P12 एक एटम की probability into number of atoms, number of atoms ground state में कितने हैं N1, तो N1 into P12, और P12 की value हम कल calculate करके आ चुके हैं जो कि थी N1, यहाँ पे लिख देंगे, और P12 की value है B12 u nu। B12 क्या है वहां पे, आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, लोअर से हायर में जा रहा है तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है ये हमारा, तो B12 इज नोन एज आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। अब हमारे हायर एनर्जी स्टेट में कितने एटम्स हैं, N2, तो N2 एटम्स जब नीचे से एटम्स ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाले एटम्स वापस से लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे स्टेबिलिटी के लिए। तो टू से वन में आने के दो चांसेस हैं, या तो वो स्पॉन्टेनियसली आएंगे या स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू आएंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एमिशन की, टोटल प्रोबेबिलिटी टू से वन में आने की, एन टू इंटू पी टू वन, और पी टू वन दोनों प्रोसेस है, स्टिमुलेटेड भी और स्पॉन्टेनियस भी, तो एन टू इंटू ए टू वन प्लस बी टू वन यूनियू, इक्वेशन टू, वेयर ए टू वन क्या है, आइंस्टाइन कोफिशियंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, B21 क्या है, आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। तो यहां तक लिखिए, हमने क्या किया, नंबर ऑफ एटम्स N1 और N2 लोअर एनर्जी स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में कंसीडर किए, और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाने की और हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाने की। मैम सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड इक्वेशन में क्या है, अब एनर्जी लेवल 2 में है एटम्स, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्पॉन्टेनियसली आएंगे, या ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे जो एटम्स हैं वो स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू आएंगे। ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जो 2 से 1 में आने की प्रोबेबिलिटी है वो अलग बात है कि लेजर में स्पॉन्टेनियस एमिशन कम होना चाहिए, लेजर जो बीम है या लेजर मटीरियल जिसमें हम ये लेजर लेजिंग एक्शन कराना चाह रहे हैं उसमें स्पॉन्टेनियस वाली वैल्यू कम होनी चाहिए, स्टिमुलेटेड वाली ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमें मोनोक्रोमेटिक हाईली कोहेरेंट बीम चाहिए, हाईली डायरेक्शनल बीम चाहिए, बट होंगे तो दोनों ही, वो अलग बात है कि एक कम होगा या दूसरा ज्यादा होगा। और जैसे हम बात करें मरकरी लैम्प की, तो ऐसा नहीं है वहां पे स्टिमुलेटेड एमिशन बिल्कुल नहीं होगा, बट वहां पे स्पॉन्टेनियस एमिशन ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन टू से वन में दोनों प्रोबेबिलिटी है ना, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है।
कब कौन सा डोमिनेट करेगा वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, वो कौन सी कंडीशन है वो अभी निकाल के भी लास्ट में वही ड्राइव करेंगे कि कौन सा डोमिनेट करना चाहिए, क्योंकि लेजर के लिए क्या डोमिनेट करना चाहिए, स्टिमुलेटेड एमिशन डोमिनेट करना चाहिए, स्पॉन्टेनियस एमिशन डोमिनेट नहीं करना चाहिए। तो टू से वन में जो है वो क्या होना चाहिए, बी टू वन ज्यादा होना चाहिए, ए टू वन कम होना चाहिए। तो आप क्या कह रहे हैं कि हमने क्या किया, एब्जॉर्प्शन और एमिशन की बात कर ली। थर्मल इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि जितना एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही एमिशन होगा। एट थर्मल इक्विलिब्रियम द एब्जॉर्प्शन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एमिशन प्रोबेबिलिटी, तो दोनों को बराबर रख देंगे, आर वन टू इक्वल टू आर टू वन। तो आर वन टू की वैल्यू है एन वन बी वन टू यू न्यू, आर टू वन की वैल्यू है एन टू ए टू वन प्लस बी टू वन यू न्यू। दोनों को इक्वेट किया, अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई क्या करेंगे, पहले एन टू को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर ये वाली टर्म इसके पास ले जाएंगे, दोनों एक साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो यू न्यू कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा एन वन बी वन टू, ये इधर इधर जाएगा लेफ्ट साइड, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस एन टू बी टू वन इक्वल टू एन टू ए टू वन। यहां से यू न्यू इक्वल टू वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यू न्यू क्या है, एनर्जी डेंसिटी है, तो यू न्यू इक्वल टू एन टू ए टू वन अपॉन एन वन बी वन टू माइनस एन टू बी टू वन। अब क्या करेंगे, यहां से एन टू कॉमन ले लेंगे, एन टू कॉमन लेंगे और क्या होगा, फिर वो ऊपर वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे इससे। फिर साथ में हम यहाँ पर बी टू वन भी कॉमन ले लेंगे, तो यू न्यू इक्वल टू ए टू वन बी टू वन ब्रैकेट में एन वन बी वन टू एन टू बी टू वन माइनस वन, इक्वेशन थ्री आ गया। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, दोनों बराबर होनी चाहिए कि जितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है उतना ही स्टिमुलेटेड एमिशन हो, स्पॉन्टेनियस नहीं हो, क्योंकि अगर स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा तो लेजर लाइट नहीं मिलेगी। तो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग हमारी जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है वो एमिशन के बराबर होनी चाहिए, स्टिमुलेटेड एमिशन के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, दैट इज बी वन टू इक्वल टू बी टू वन हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप इसमें यहाँ पे रखोगे तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, इक्वेशन टू में रखेंगे तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो यू न्यू इक्वल टू ए टू वन अपॉन बी टू वन एन वन अपॉन एन टू माइनस वन। अब क्या करेंगे, एन वन और एन टू की वैल्यू रखेंगे अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। पता नहीं आप लोगों ने थर्मोडाइनमिक्स में ये चीज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो फिलहाल तो याद ही रखना है। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, एन वन होते हैं हमारे, वो इससे नेक्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट पेज पे है, फिर करते हैं। तो एन वन और एन टू की वैल्यूज रखनी है। एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं, हम ए टू वन और बी टू वन के बीच में रिलेशन चाहते हैं। ए टू वन क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन, बी टू वन क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन, कि कब ये डोमिनेट करेगा स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन कब डोमिनेट करेगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना चाह रहे हैं कि क्या चीज होनी चाहिए कि हमें लेजर ट्रांजिशन मिले, या लेजर ट्रांजिशन किस चीज पर डिपेंड करेगा। तो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एट थर्मल इक्विलिब्रियम एन वन होता है एन नॉट ई टू पावर माइनस ई वन अपॉन के टी, एन टू होगा एन नॉट ई टू पावर माइनस ई टू अपॉन के टी, वेयर ई वन क्या है, एनर्जी लेवल है, स्मॉल के क्या है, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है, कैपिटल टी क्या है, टेम्परेचर एट कैल्विन होता है। तो हमने यहाँ से क्या किया, एन टू अपॉन एन वन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो एन वन अपॉन एन टू की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करोगे, एन टू अपॉन एन वन, एन टू की वैल्यू रख देंगे एन नॉट ई टू पावर माइनस ई टू अपॉन के टी, एन नॉट ई टू पावर माइनस ई वन अपॉन के टी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या होगा, ई की पावर में सिंपल लिख देते हैं उसको एडिशन करके, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, e टू पावर माइनस e टू माइनस e वन अपॉन के टी, माइनस बाहर ले लिया
तो ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस में आएगा, ये माइनस आएगा अगर ये ऊपर जाएंगे। ई टू माइनस ई वन को हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू, ठीक है। ई टू माइनस ई वन क्या होता है, फोटोन की एनर्जी के बराबर होता है, तो माइनस एच न्यू अपॉन के टी। तो एन टू अपॉन एन वन की वैल्यू आ गई हमारी माइनस एच न्यू अपॉन के टी, वेयर के बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, एच प्लांक कॉन्स्टेंट। और ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन फोर में पुट कर देंगे। तो हमारा U इक्वल टू हो गया ए टू वन अपॉन बी टू वन ई टू पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन। अब क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूले से। तो प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला हमारा होता है U इक्वल टू एट पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब ई टू पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर किया, क्योंकि दोनों क्या है, एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले हैं। जो फिफ्थ इक्वेशन है वो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन आया है, और जो सिक्स इक्वेशन है वो अकॉर्डिंग टू प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला है, दोनों एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले हैं, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो जब इक्वेट किया तो क्या होगा, वन अपॉन ई टू पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ए टू वन अपॉन बी टू वन की वैल्यू आएगी एट पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। और इस फॉर्मूले में देखें तो 8 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एच प्लांक कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये भी कांस्टेंट है। तो ये सारी टर्म कांस्टेंट क्वांटिटी हैं, सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी है जो वेरिएबल क्वांटिटी है। तो ए टू वन अपॉन बी टू वन इज प्रोपोर्शनल टू न्यू टू क्यूब। ए टू वन क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से है, बी टू वन क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से है। इन दोनों का रेशो है जो कि प्रोपोर्शनल है न्यू टू क्यूब के। तो जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, या से पता लगता है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है डोमिनेट करता है स्टिमुलेटेड एमिशन पे। और जबकि लेजर के लिए क्या होना चाहिए, स्टिमुलेटेड एमिशन होना चाहिए। और फ्रिक्वेंसी एक्चुअल में किस पे डिपेंड करती है, ये हमारा लेवल ई टू है, ये हमारा ई वन है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो एच न्यू होता है, वेयर एच तो प्लांक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है देखा जाए तो फ्रिक्वेंसी डिसाइड करता है। जितना ज्यादा ये डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा ये फ्रिक्वेंसी होगा, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन डोमिनेट ना करे, स्टिमुलेटेड एमिशन डोमिनेट करे, तो उस केस में जो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस है वो कम होना चाहिए। सो द रेशियो ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन इज प्रोपोर्शनल टू न्यू क्यूब, और वी कैन से, और वी कैन से स्पॉन्टेनियस, और वी कैन से स्पॉन्टेनियस एमिशन, और वी कैन से स्पॉन्टेनियस एमिशन डोमिनेट ओवर स्टिमुलेटेड एमिशन, एंड दिस डोमिनेशन increases with increase in with the increase in energy difference, यहाँ पर हमारा रिलेशन इसका कंप्लीट होता है। इतना नोट करिए, इतने चलिए अटेंडेंस ले रही हूँ। रोहित कुमार,